मनोहर उर्फ मन्नू एक साधारण परिवार का लड़का था। बचपन से ही उसे टेस्टी खाने पीने और खिलाने का बहुत शौक था। पढ़ाई में उसका मन नहीं लगता। स्कूल के रास्ते में टेस्टी मिठाइयाँ और पकवान बनते देख वो घंटों हलवाई की दुकान पर बिता देता। एक दिन स्कूल लेट पहुँचने पर, क्यों रे मनु, इतना लेट क्यों आए हो? तुम्हें डेली लेट हो जाता है, क्या बात है? सर, ये पिंटू हलवाई की दुकान पर खड़ा होगा, मैं कल ही उसको देखा था स्कूल ड्रेस में, वहाँ पर जलेबियाँ छान रहा था। ओ, तो इसकी हलवाई की दुकान है। मनु, पिताजी से क्यों नहीं कहते कि स्कूल जाने के टाइम पे काम न करवाए? नहीं सर, इसके पिताजी इंजीनियर है, ये तो रास्ते में पड़ने वाली दुकानों में काम करता रहता है। अरे वाह, ये तो और अच्छी बात है कि मनु अपने खर्चे खुद उठाता है। तुम सभी को इसे फॉलो करना चाहिए, जीवन में हमें सेल्फ इंडिपेंडेंट ही होना चाहिए। शाबाश मनु, लेकिन पढ़ाई के समय पढ़ाई ही होनी चाहिए। सर, आप समझ नहीं रहे हैं, ये काम करने के बदले पैसे नहीं लेता, इसे खाना बनाने और खिलाने में मन लगता है, घर का सारा काम यही करता है। बोले तो मनु नहीं, ये मुन्नी है। चुप रहो, चलो सब अपनी अपनी मैथमेटिक्स का बुक निकालो। मास्टर साहब उस दिन से मन्नू पर वॉच करने लगते हैं। वो लड़कों से ज्यादा लड़कियों में सहज रहता था। लड़कियां उससे तरह तरह के खाने की रेसिपी पूछा करती और वो उन्हें बनाने की विधि बताया करता। अरे सुनो सारिका, देखो मैंने क्या आम का अचार बनाया है, जरा चक्कर तो देखो। अरे वाह रे मन्नू, ला इधर ला। अरे कमाल का जादू है तेरे हाथों में मन्नू, इतना मजेदार अचार। वाह, मजा ही आ गया। ये सब देखकर मास्टर साहब एक दिन बाजार में मन्नू के पिताजी सोमू से मिलकर सारी बात बताते हैं। मन्नू के पिताजी ने भी बताया कि वो लड़कियों वाला काम ही पसंद करता है, पढ़ाई में उसका मन नहीं लगता। एक दिन क्लास में बच्चे उसे छेड़ रहे थे। तीनू, मेरा बैलेंस दे दे, नहीं तो मैं सर से बोल दूंगा कि तुम लोग मुझे छेड़ रहे हो। मैं भी बोल दूंगा कि तुम अपने बैग में बैलेंस और खर्चूल छुपा कर लाते हो। क्या हो रहा है, क्यों इतना शोर कर रहे हो तुम लोग? तुम लोगों ने पूरी क्लास को मछली बाजार बना के रख दिया है। सर, ये रोज अपने बैग में खर्चूल और बेलन लाता है, सिर्फ खाने की बात करता रहता है, हमें पढ़ने में डिस्टर्ब करता है। नहीं सर, ये सब झूठ बोल रहे हैं, मैं तो किसी को टोकता भी नहीं, ये लोग मुझे अकेले देखकर छेड़ते रहते हैं। चलो चलो सब बैठ जाओ, आज रिपोर्ट कार्ड डिस्ट्रीब्यूशन है। मनु, तुम्हारा रिपोर्ट कार्ड सबसे खराब है, तुम फेल हो गए हो। हिंदी में गाय पर लेख में सिर्फ दूध से बनी मिठाई 3 पेज में लिखा है। मैंने बोला था ना सर, सारा दिन तो मिठाई वाले के पास रहता है। मैथ में कितने नंबर लाया है सर? मैथ में 100 में से 3 नंबर आए हैं। इसने लिखा है 3 किलो दूध में 7 किलो दूध मिलाने पर सीधा 7 किलो दूध बनेगा। जी सर, दूध वाले 1 किलो में दही 100 ग्राम पानी मिलाते हैं, इस हिसाब से 7.5 किलो दूध ही मिलेगा। देखो मनु, तुम ना मुझे समझ में आ रहे हो ना ही स्कूल मैनेजमेंट को, इसलिए मैनेजमेंट ने तुम्हें स्कूल से निकाल दिया है। सर, मनु तो हमें भी समझ नहीं आ रहा, कभी मनु तो कभी मुन्नी दिखाई देता है। पूरी क्लास में सब जोर जोर से ठहाका मारकर हंसने लगते हैं। मनु घर पर जाकर बताता है तो उसके पिताजी और परिवार वाले बहुत नाराज होते हैं। मनु को कई साइकोलॉजिस्ट से भी दिखाया जाता है, लेकिन उसकी रुचि तो तरह तरह के खाने बनाने में थी। एक दिन बहुत बड़े संत आए हुए थे। गुरुदेव, यही है मेरा बेटा मनु, इसे सिर्फ किचन में ही अच्छा लगता है, खाना बनाना और लोगों को टेस्टी खाना खिलाना इसे पसंद है। वाह, ये तो बहुत ही अच्छे गुण है, यही गुण तो इसे विशेष बनाते हैं, इसमें घबराने वाली क्या बात है। गुरुदेव, इसकी अभी पढ़ने की उम्र है, पढ़ाई में मन ही नहीं लगता, सिर्फ खाना बनाने में लगा रहता है, कुछ कीजिए महाराज, इसे स्कूल से भी निकाल दिया गया है। गांव के लोग इसे ट्रांसजेंडर, मुन्नी, छक्का, न जाने क्या क्या कहकर बुलाते रहते हैं, हमारी प्रतिष्ठा को इस कारण ठेस पहुंचता है। देखिए, प्रत्येक व्यक्ति में कुछ न कुछ गुण होते हैं, इस बालक की रुचि टेस्टी खाना बनाने और खिलाने में है, इसे मेरे साथ भेज दो, संतों के साथ रहेगा तो कुछ दिनों में अच्छा हो जाएगा। मन्नू को संत के साथ भेज दिया गया। जल्द ही मन्नू मठ के सारे संतों का चहेता बन गया। वो अच्छे अच्छे पकवान बनाकर संतों को खिलाता। एक दिन, देखो मनु, मैं तुम्हें अपने साथ लाया था कि तुम एक अच्छे नागरिक बनो,
लेकिन तुम तो पहले से ही बहुत अच्छे हो, बस तुम्हारी रुचि खाना बनाने और खिलाने में है। अब तुमको यहाँ से जाना होगा। क्यों गुरुदेव, मुझसे कुछ गलती हो गई है क्या? तुम्हारी गलती नहीं है बेटा, मठ के सारे संत तुम्हारे द्वारा पकाए गए स्वादिष्ट भोजन के आदी हो गए हैं। संतों के जीवन में सादगी होनी चाहिए, ना कि स्वादिष्ट भोजन। स्वादिष्ट भोजन खाकर ये सुबह 4 बजे नहीं उठ पाते और भी दिनचर्या का काम इनसे नहीं हो पाता, इसलिए तुम अपने घर वापस लौट जाओ। ठीक है गुरुदेव, जैसी आपकी आज्ञा, लेकिन मुझे उस समाज में मन नहीं लगता, मैं क्या करूं? पिताजी कहते हैं कि पढ़ेगा लिखेगा नहीं तो क्या करेगा जीवन में। बेटा, तुम्हारा खाना बनाने और खिलाने का हुनर देख मुझे लगता है कि तुम्हें लोगों को खिलाने वाला काम करना चाहिए। मन्नू वापस अपने घर आ जाता है। गांव वाले फिर से उसे मुन्नी मुन्नी कहकर चढ़ाने लगते हैं। एक बार गांव के सरपंच हुकुम चंद की बेटी की शादी होती है। एक से एक पकवान बन रहे होते हैं। सरपंच के कहने पर मन्नू सारे पकवानों की देखरेख कर रहा था, लेकिन उसी वक्त एक हलवाई को हार्ट अटैक आ गया और एक मेन हलवाई लच्छू हलवाई को छोड़कर सभी कारीगर चले गए। उस समय मन्नू मोर्चे को संभालता है। बेटा मनु, मेरी इज्जत अब तेरे हाथ है। अगर मेहमान बिना खाए यहाँ से चले गए तो मेरी नाक कट जाएगी। अरे चाचा, आपकी बेटी मेरी बहन है, आप फिक्र ना करो, दूसरे काम को देखो। मुझे सिर्फ 4-5 काम करने वाले लड़के उपलब्ध करवा दीजिए। नहीं मालिक, आप नहीं समझ रहे, 12,000 आदमियों का खाना, वो भी 20 वैरायटी में, 4-5 लड़कों में कैसे बनेगा? ओ, अब मैं क्या करूं? कहां जाओ, आज इतना जबरदस्त लगान है कि आसपास के गांव में कोई भी हलवाई खाली नहीं है। अब मेरी पगड़ी उछलना तय है। सब हो जाएगा लच्छू चाचा, बस आप सबर रखो और जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। सरपंच चाचा, आप जितनी जल्दी हो सके 4-5 लड़कों को भेजो। मन्नू लच्छू हलवाई और 5 लड़कों को लेकर अपने काम में लग जाता है। सिर्फ 10 मिनट में 5 लड़कों को काम समझाने के बाद सभी को अपने अपने काम पर मन्नू भेज देता है। रात करीब 8 बजे बारात हुकुम चंद के दरवाजे पर आ जाती है। पता चलता है कि बारात में 200 आदमियों की जगह 300 लोग आ गए। हुकुम चंद दौड़ कर मन्नू के पास आता है। मनु, बारात में 100 आदमी ज्यादा आए हैं, पहले बारातियों को खाना खिलाओ, गांव के लोगों को बाद में देखेंगे, इज्जत तो चला ही गया। चाचा कुछ नहीं होगा, आप बस देखते जाइए, पहले बारातियों को खाना देते हैं, उनके खाते खाते गांव वालों का भी खाना बन जाएगा। पता नहीं बेटा क्या होगा, लेकिन तुमसे बात करके हिम्मत आ जाती है। चाचा सारा खाना रेडी है, आप बस बारातियों को खाना खिलाइए। खाना बहुत स्वादिष्ट बना था। सारे बारातियों को खाना खिलाने के बाद गांव के लोगों को भी खाना खिला दिया जाता है। हुकुम चंद ये देखकर काफी खुश हो जाता है। वो मन्नू की प्रशंसा पूरे गांव से कर रहा था। अरे सोमू, कल अगर तुम्हारा बेटा मनु नहीं होता तो मेरी इज्जत तो चली ही जाती। वो सब तो ठीक है सरपंच जी, लेकिन इसी रुचि के चलते इसकी पढ़ाई छूट गई। लोग इसे मुन्नी और ना जाने क्या क्या कहते हैं, वो आपसे छुपा हुआ नहीं है। अरे कहने वालों को कोई रोक सका है? मनु में जो टैलेंट है वो किसी में नहीं। कल मेरी बेटी की शादी में एक से एक ऑफिसर, इंजीनियर, डॉक्टर, वकील, बिजनेसमैन आए हुए थे, लेकिन मनु ने मेरी पगड़ी की लाज बचाई है। इसके बाद मनु गांव में और आसपास में शादी समारोह में खाना बनाने का काम करने लगता है। बारात में आए एक सेठ मन्नू के खाने की, खासकर उसके टेस्टी डोसे को खाने के बाद मन्नू को शहर में उसके रेस्टोरेंट में काम करने का ऑफर देता है। मन्नू अब शहर में रेस्टोरेंट में जाकर काम करने लगता है, लेकिन जल्द ही रेस्टोरेंट के मेन शेफ से उसकी बनती नहीं और वो वहाँ से काम छोड़कर ठेले पर डोसे की दुकान खोल लेता है। उसके मधुर व्यवहार और लजीज डोसे की वजह से जल्द ही वो छोटी सी दुकान से बड़ा रेस्टोरेंट बना लेता है। इधर टीनू के पिताजी एक सड़क हादसे में गुजर जाते हैं। टीनू पिताजी का व्यापार ठीक से चला नहीं पाता और घाटे में चला जाता है। वो काम खोजने शहर आता है। एक दिन टीनू को बहुत भूख लगी थी। टीनू को मन्नू के रेस्टोरेंट में डोसा खाने के बाद पता चलता है कि उसका पर्स किसी ने उड़ा लिया है। पैसे के लिए टीनू की बहस रेस्टोरेंट के स्टाफ के साथ होने लगती है। तभी वहाँ पर मन्नू आ जाता है।
अरे टीनू, तू यहाँ कैसे? और सुना, क्या हो रहा है? गाँव का क्या हाल चाल है? अरे मनु, बहुत टाइम पर मिला है यार। तुम्हारे पास अगर 225 रुपए है तो देना यार, मेरी जेब किसी ने काट ली है यार। मुझे डोसे का पैसा देना है। ठीक है सर, के पैसे मैं दे दूंगा, तुम लोग जाओ। और हाँ, एक कॉफी लाना हम दोनों के लिए। आओ टीनू, बैठ कर बात करते हैं। बहुत दिन बाद मिले हो। अबे तेरा तो उलिया ही बदल गया है। और सुना, कहाँ काम चल रहा है आजकल? मेरा काम तो यही चल रहा है, तुम अपना सुनाओ, यहाँ कैसे? अबे वाह, इतने बड़े रेस्टोरेंट में काम करता है तू? गुड यार, बहुत अच्छा काम पकड़े हो। तुम्हारी शिफ्ट कितने बजे की है? इतने में एक वेटर मन्नू के पास आकर बोलता है, सर मैनेजर साहब मीटिंग के बारे पूछ रहे थे। बस 5 मिनट में आता हूँ। अबे साले, जा मीटिंग अटेंड कर, नहीं तो मेरे चक्कर में मैनेजर कहीं तुझे छुट्टी ना दे दे। और हाँ देख, मैनेजर जैसे बड़े लोगों से टच बना कर रख। अबे ये कोट टाई बदल कर प्रॉपर वेटर वाली ड्रेस पहन ले, नहीं तो बड़े लोगों का मूड का क्या भरोसा। बस 5 मिनट रुको, मैं मीटिंग से होकर अभी आया। हाँ भाई, मुझे भी काम है तुझसे। ए वेटर, जरा इधर आना। जी सर, ऑर्डर कीजिए। अबे अभी तो तुम लोगों को बताया कि मेरी जेब किसी ने काट लिया है, और ऑर्डर के बारे में क्यों पूछ रहे हो मेरे से? मजाक उड़ा रहे हो क्या मेरा? सर आप मन्नू सर के दोस्त हैं, आपको पैसे की क्या चिंता, आप बस ऑर्डर कीजिए ना। अबे मन्नू को सर सर कह के इतना मत चढ़ा दो कि खातिरदारी में उसकी सैलरी ही काट ली जाए। क्या सर, आप भी मजाक करते हैं, वो तो सैलरी हम सबको देते हैं, वो इस रेस्टोरेंट के मालिक हैं। क्या, इतना बड़ा रेस्टोरेंट मनु का है? अरे उनके तो ऐसे 3-3 रेस्टोरेंट है शहर में। तभी वहाँ पर मन्नू आ जाता है। सॉरी टीनू, मुझे देर हो गई आने में, वो मैनेजर हिसाब किताब में कुछ घोटाला कर रहा था यार, हटा दिया उसे। दोस्त तू मैनेजर बनेगा? तुम्हारी मैच तो बहुत अच्छी है, 50,000 रुपए सैलरी, गाड़ी और रहने खाने का क्वार्टर मिलेगा। मुझे माफ कर दे दोस्त, मैंने हमेशा तेरा मजाक उड़ाया, और तुम मुझे इस वक्त मदद कर रहे हो जब मुझे पैसे की सख्त जरूरत है। मैं दाने दाने का मोहताज हूँ, सचमुच तुम देवता हो यार। अरे बस कर पगले, अब रुलाएगा क्या? हमें किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके रंग रूप या लिंग भेद से न करके उसके व्यवहार और अच्छे आचरण से करनी चाहिए, क्योंकि ईश्वर की बनाई गई हर एक वस्तु और प्राणी अपने आप में अनमोल है।